यूपी में सीएए और एनआरसी से शुरू हुआ विवाद का रंग अब भगवा हो चला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के सीएम योगी के भगवा वस्त्र पर दिए बयान के बाद राजनीतिक तलखी और बढ़ गई है। प्रियंका गांधी को जवाब देने के लिए खुद सीएम योगी को सामने आना पड़ा। आलम यह है कि भगवा पर आर पार की लड़ाई हो रही है। भगवा को सब अपने अपने हिसाब से परिभाषित करने में जुटे हुए हैं। भगवा पर मचा सियासी घमासान। प्रियंका के भगवा अस्त्र पर बीजेपी का पलटवार। योगी जी का प्यार है भगवा, कांग्रेस के लिए व्यापार है भगवा। जी हां, कुछ ऐसे ही वीर रस की कविताओं के जरिए यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन करने वाले युवकों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला बोला, उसके बाद से ही वो बीजेपी के निशाने पर है। प्रियंका गांधी के बयान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस की ओर से ट्वीट करके प्रियंका गांधी पर पलटवार किया गया। पुरुषार्थ और परमार्थ का संकल्प है भगवा, मनुष्यता का मर्म जीवन का धर्म है भगवा, पवित्र प्रतीक और मर्यादा का मानक है भगवा, सेवा त्याग समर्पण का अनुबंध है भगवा, भागवत का सार और शौर्य का प्रमाण है भगवा, कांग्रेस के लिए व्यापार है भगवा, हमारे योगी जी का प्यार है भगवा। प्रियंका गांधी ने सोमवार को लखनऊ में योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने योगी के वस्त्र धारण किए हैं, भगवा धारण किया है, ये भगवा आपका नहीं है, ये भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का है, ये भगवा आपका नहीं है, ये भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का है, हिंदू धर्म का चिन्ह है, उस धर्म को धारण करिए, उस धर्म में रंज हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं है। कभी भगवा टेरर का शब्द उछालने वाली कांग्रेस को प्रियंका गांधी के मुताबिक उसी भगवा में अब अहिंसा का रंग नजर आने लगा है और अब वो हिंदुत्व के प्रतीक भगवा रंग को गांधीवादी तरीके से समझाने की कोशिश में जुट गई है। कांग्रेस अब हार्डकोर हिंदुत्व के भीतर घुसने का प्रयास कर रही है। सॉफ्ट हिंदुत्व में कांग्रेस का नाता महज प्रदर्शन बन रहा है। प्रियंका गांधी का बयान आने के बाद भगवा पर कांग्रेस के दो दृष्टिकोण सामने आए हैं, एक जो अब तक साध्वी प्रज्ञा को लेकर कांग्रेस की सोच रही है और दूसरा जो कुछ प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा है। बड़ा सवाल यही है कि ये भारी बदलाव आया कैसे, क्या यूपी की राजनीति को लेकर प्रियंका गांधी को कोई नया सलाहकार मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।